weather. सुप्रभात सभी को तकनीक मित्रों के साथ दिनांक 28 सितंबर 2023। तो मित्रों कैसे हैं? आशा बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार शर्मा आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं आईफोन के एक नए फीचर पर्सनल वॉइस एक्सेस पे। हालांकि मैंने इसके विषय में आपको बताया था, लेकिन आज मैं इसके थोड़ा हम बात करते हैं इसकी डिटेल पर। दरअसल ये क्या है पर्सनल वॉइस एक्सेस? ये दरअसल एक ऐसी तकनीक है, इससे आप अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करके फिर उसके द्वारा मैसेजेस इत्यादि को सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे मैसेजेस? जैसे कि इसमें एक लाइव स्पीच, उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। पहले ऑन करने वाले जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना, वो फिर बोलेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अपनी आवाज़ को ये ठीक से कैच कर पाता है। इसके अंदर कई मतलब जो है चीज़ें हैं वो हमें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्ड करने के बाद इसके अंदर करीबन 150 वाक्य आपको मिलेंगे, फ्रेजेस बोलते हैं जिनको अंग्रेज़ी में, हमारे हिंदी भाषा में इसको वाक्य बोलेंगे। वैसे सेंटेंसेस होता है, लेकिन ये फ्रेज लिखता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो क्या है कि आपको 150 वाक्य मिलेंगे, आपको उन्हें रिकॉर्ड करना है बार बार, और जैसा वो लिखा हुआ वैसा आपको बोलना है। अब यहाँ पर ऐसा है कि एक तो इंग्लिश अपनी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा ये है कि वो जो फ्रेजेस हैं यानी कि वो जो वाक्य हैं वो आपको सुनकर, वो आपको टेक्स्ट टू स्पीच टॉकबैक स्पीच करेगा यानी कि वॉइस ओवर, उसको पढ़कर आपको वैसा वैसा बोलना है। अब यहाँ पर गलती क्या होती है कि बोल जब आप बोलेंगे ना वो, तो फिर आपको एकदम सही से बोलना पड़ेगा, एकदम साफ साफ बोलना पड़ेगा, तभी आपकी आवाज़ अच्छे से वो कैच करेगा। नहीं तो रिकॉर्ड तो वो कर देगा, आप 150 वाक्य जो थोड़ा गलत सलत बोलोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन वो फिर आवाज़ में वो वाली बात नहीं रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी इसको यूज़ करने का पहले ये होता कहाँ है, पहले तो हम ये समझते हैं। मैंने इसको वीडियो में बताया आपको, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम चलेंगे सेटिंग में। सेटिंग में आ गए, यहाँ पर स्क्रीन टाइम जनरल कंट्रोल होम्स एक्सेसिबिलिटी आएंगे, यहाँ पर हेडिंग साइड कंट्रोल ऐप की हियर साउंड ऑडियो सब लाइक हियरिंग स्पीच हियर स्पीच लाइव स्पीच पर्सनल वॉइस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो ऊपर मैंने आवाज रिकॉर्ड किया है वो संदीप कुमार पर्सनल वॉइस 2 24th of September 2023। यानी कि मतलब दो नंबर वॉइस है, एक नंबर वॉइस उसमें मेरे वाक्य रिकॉर्ड नहीं किए मैंने। संदीप कुमार पर्सनल वॉइस 1 150 फ्रेजेस लेफ्ट टू रिकॉर्ड, ठीक है ना? इसको 150 फ्रेज लेफ्ट, पहले तो ये रिकॉर्ड होता ही नहीं था, वो सेटिंग अप 0%, लेकिन बाद में भी इसका एक अपडेट आया है 17 का नया। 17 के अपडेट के बाद एक और अपडेट आया छोटा सा, तो उस अपडेट के बाद ये बग फिक्स हुआ है कि वो ऑप्शन खुलने लगा है। जैसे ये संदीप कुमार अब मैं आपको रिकॉर्ड करके तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत समय लगेगा, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। लेकिन संदीप कुमार पर्सनल वॉइस 1 डबल टैप करेंगे, फेस आईडी ऑथेंटिकेटेड सेटिंग्स, यहां पर देखिए। अब यहां पर कंटिन्यू रिकॉर्डिंग पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो ये देखिए। अब यहाँ पर I'm creating a personal voice with my iPhone. I am creating a personal voice on my iPhone. नीचे यहाँ पर रिकॉर्ड का बटन दिया गया है, तो जैसे आप रिकॉर्ड चालू कर दोगे ना, तो फिर वो क्या करेगा, आपको कुछ अक्षर यहाँ पर शब्द लिखे आएंगे, वो शब्द आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है ना? सिंपल प्रोसेस है वैसे तो, कोई नहीं, वो बस आप बोलते रहिए, अपने आप बहुत चेंज होता रहेगा, वो दूसरा फ्रेज आ जाएगा, उसको पढ़ के फिर आप रिकॉर्ड करो। तो आपकी अंग्रेजी एक तो अच्छी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, मेरी तो इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? अब इस पर अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड आप खुद ही कर लोगे, वो तो बताने की जरूरत है नहीं। पर्सनल वॉइस बैक बटन, आप उससे ज़्यादा एडवांस हो ना, तो ये चीज़ है, ठीक है? ये वैसे क्लोनिंग वाला ही सिस्टम है, लेकिन क्लोनिंग इस पर थोड़ा सा झंझट ज़्यादा है। जैसे मैंने क्लोनिंग में तो क्या होता है, जैसे मैंने एक वो वॉइस आई वाला वीडियो, AI वाला वीडियो बनाया था कि टेक्स्ट टू स्पीच वाला, कि अपना खुद का बना सकते हो, उस वो थोड़ा सा इससे अच्छा है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम लगा मुझे, क्योंकि टाइम भी बोलते थे, और इसकी एक शर्त भी है, वो शर्त भी आपको बताते हैं। इसमें शर्त ये है कि जैसे आपने कोई भी वॉइस रिकॉर्ड किया अपना, तो रिकॉर्ड करने के बाद इसको आपको चार्ज में लगाना पड़ेगा फ़ोन को, और चार्ज में लगाने के बाद ऐसे नहीं कि आप यूज़ करते नहीं, उसे लॉक रखना पड़ेगा। लॉक रखोगे तब वो घंटे दो घंटे तीन घंटे में वो जो है, चाहे वाईफाई आपका कितना भी तेज हो, तो कई बार 15 मिनट में ही प्रिपेयर कर देता है, और कई बार वो दो तीन घंटे में प्रिपेयर करता है।
तो ये कुछ जुगाड़ है इसका। ठीक है, आगे आने वाले समय में इसे सुधार हो सकता है, लेकिन अभी तो जो फंडा है सारा यही है। अभी हम देखते हैं काम कैसे करेगा। स्पीच हियरिंग स्पीच लाइव स्पीच पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये ऑन है। स्पीच स्विच बटन ऑन, ट्रिपल क्लिक द साइड बटन टू शो लाइव स्पीच। आपको ट्रिपल क्लिक करोगे ना साइड बटन पर, जैसे वॉइस ओवर कौन करते हो वैसे ये ऑन हो जाएगा। फेवरेट फ्रेजेस बटन, फेवरेट फ्रेजेस आप यहाँ पर फेवरेट फ्रेज देख सकते हैं। वॉइसेस हेडिंग, वॉइसेस हेडिंग इंग्लिश इंडिया संदीप कुमार, इंग्लिश इंडिया संदीप कुमार शर्मा की आवाज यहाँ पर मैंने सेट किया। इसे सेट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अलग अलग वॉइसेस मटिल्डा सीरी, अलग अलग आवाजें हैं, तो हमने ऑस्ट्रेलिया सेट कर रखी है वो जो मैंने रिकॉर्ड की थी। मुझे लगता नहीं वो मेरी आवाज आती है, क्योंकि वो थोड़ा मिक्सिंग कर देता है वो, क्योंकि टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज अपन सुनते हैं, टेक्स्ट जब वो भी आती है ना, तक समस्या अपने साथ कही है। तो खैर accessibility access live speech इसको हम आप वैसे किसी की भी आवाज़ रिकॉर्ड करवा सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऑन करता हूँ स्पीच को, बस साइड की को 3 बार प्रेस करना है। और यहाँ पर ये लाइव स्पीच ऑन हो गया। जैसे ही ऑन होगा यहाँ पर जो है आपका कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर लिखा आएगा हियरिंग कंट्रोल सेंटर बटन टाइप टू स्पीक। टाइप टू स्पीक यहाँ पर आप बोलो और बोलोगे तो आपको वो ध्वनि सुनाई देगी। देखिए मैं आपको बोल कर दिखा देता हूँ। जैसे देखिए सेंड, टाइम सेंड का बटन है इसमें, जैसे मैं लिखता हूँ कैप एच ई एल 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 ओ स्पेस हेलो एस आई आर। अब हमने हेलो लिखा, सेंड करेंगे सेंड हेलो सर। ये देखिए हेलो इस तरह की आवाज़ है। ये मेरी आवाज़ तो नहीं है, थोड़ा मिक्स हो गया है, क्योंकि नहीं है इसलिए नहीं है, क्योंकि वो हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज़ साथ में आ रही थी इसलिए। बाकी ठीक है, लगता है कि हाँ अपनी रिकॉर्डिंग है। जैसे ए एम ए एस H K A R send namaskar। ठीक है ना, तो इस तरह से ये कुछ आवाज़ें इसमें लेता है। मेरी आवाज़ मतलब आप अपने तो क्लोन कर सकते हो क्लोन, क्योंकि अपना तो टेक्स्ट टू स्पीच बीच बीच में बोलता है जब अपन फ्रेज रिकॉर्ड करते हैं ना, तो फिर ये इसकी आवाज़ को भी मिक्स कर देता है, तो अपनी आवाज़ मिक्सअप हो जाती है। क्लोनिंग में तो क्या होता है, जैसे आपने रिकॉर्ड कर दिया कोई भी ऑडियो पहले से किसी, जैसे MP3 में रिकॉर्ड किया है, अमेजिंग MP3 में रिकॉर्ड किया, उस ऑडियो को वापस अपलोड कर सकते हो, तब क्या है कि आप वो अपनी आवाज़ को एक एज ए टेक्स्ट टू स्पीच यूज़ कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप यूज़ ऐसा कर सकते हो। यहाँ पर जो कुछ भी आप लिखोगे ना, जैसे आपने कोई बड़ा टेक्स्ट लिखा है तो मैंने छोटा लिखा, जैसे बड़ा टेक्स्ट लिखोगे तो ये बहुत अच्छे से बोलेगा। जैसे भी मैं इसमें एक प्रयोग करता हूँ इमोजी, नेक्स्ट कीबोर्ड, कीबोर्ड चेंज कर लेते हैं, ये हमारा गूगल कीबोर्ड आ गया। और अब मैं हिंदी लिखता हूँ यहाँ पर कैप एन ए एम ए एस के ए आर। अब देखते क्या होता है ना, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार, ये वो उसकी आवाज़ बोल रहा है, समन था कि है ना, ये कुछ ऐसा ही कुछ फंडा है इसका। इसको मैं थोड़ा सेट करने की कोशिश करता हूँ। फ्लैग्स ABC कीबोर्ड बटन बटन बटन। एक मिनट, कैसे, ठीक है, कैसे लिखा मैंने हिंदी में रिटर्न ये, लेकिन ये हिंदी नहीं पड़ेगा शायद, हिंदी सही नहीं पड़ेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। अभी क्या है कि इस पे थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है, अभी इसमें एप्पल को सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है।
और क्या इसमें जब हम फ्रेज पढ़ते हैं तो टेक्स्ट टू स्पीच की आवाज़ आती है तो मिक्सअप हो जाता है मामला, नहीं तो रिकॉर्ड तो बहुत अच्छे से होता है। अभी आप इसको चेंज भी कर सकते हो यहाँ पर, ये कुछ असिस्टिव एप्लीकेशंस में काम आता है तो इसलिए इस पर्सनल वॉइस एक्सेस को आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप टेक्स्ट टू स्पीच नहीं चलाना चाहते तो इसको बंद करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो मे भी आपकी आवाज़ को ही रिकॉर्ड करें। मैं कोशिश करूँगा इसमें अपनी आवाज़ को थोड़ा और अच्छे से रिकॉर्ड करने की, क्योंकि ये पहला प्रयास था मेरा इसमें कि किस तरह से, क्योंकि कोई चीज़ को देखते तो थोड़ा टाइम लगता है समझने में ना, इसलिए ऐसे ही कुछ बात बता देना ठीक नहीं है। इसके विषय में कई चीज़ें हैं वो समझना पड़ेगी पहले, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी वॉइस को तो आपको चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फ़ोन का टेक्स्ट टू स्पीच नहीं बोलना चाहिए, या फिर जो फ्रेजेस लिखे आने हैं आए आते हैं वो आपको याद होने चाहिए। याद तो क्या होंगे, इसमें चेंज होते रहते फ्रेज, और कुछ तो फ्रेज इतने कठिन हैं कि वो हम बोल ही नहीं सकते अंग्रेज़ी, इतनी अच्छी मेरी तो अंग्रेज़ी है नहीं। आप बोल सकते होंगे, आपको अच्छी अंग्रेज़ी आती है तो आप यू नो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। अब इस पर आपको मैं संक्षिप्त इसका बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वॉइस पर्सनल वॉइस में जाना है। इसको अपन बंद कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, एक्टिवेट गूगल सर्च इस ताकि आपको मेरी बात समझ आए। सबटाइटल्स कैप्शनिंग बटन टाइप टू स्पीक टेक्स्ट फील्ड एक्टिवेट गूगल सर्च इस ट्रांसलेट इसको कैसे बंद करेंगे। सबटाइटल्स टाइप टू स्पीक Type to speak. Autofill. Close button. Close. ठीक है, क्लोज करने का बटन ऊपर दिया गया है इसके राइट साइड में। ठीक है, ये क्लोज हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, पर्सनल वॉइस एक्सेस खोलोगे ना तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जब आपने कोई आवाज़ नहीं रिकॉर्डिंग की होगी तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन होगा। सबसे पहले आप उसको अपना नाम देंगे, जो भी आवाज़ होगी ये तो मैंने बना रखा है, नाम देंगे। नाम देने के बाद आपको उसके सबसे पहले आपसे फेस आईडी मांगेगा वो, या फिर पासवर्ड वासवर्ड जो भी फ़ोन का लगा रखा वो आईडी। फेस आईडी देने के बाद आपको फिर वो उसका नाम आपको लिखना पड़ेगा। नाम लिखने के बाद ओके करना है, और वैसे वो आपकी जो ईमेल आईडी जिस नाम से फ़ोन आपने रजिस्टर किया उसी नाम को पकड़ता है, चेंज कर सकते हो बाद में। करने के बाद आपको सीधा ही रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, फ्रेजेस मिलेंगे 150 मतलब 150 फ्रेजेस मिलेंगे जो आपको बोलने पड़ेंगे, और टेक्स्ट टू स्पीच अगर साथ में बोलेगा तो उसकी आवाज़ भी कैच कर लेता है। समस्या यहाँ पर ये है, ठीक है ना, मेन दिक्कत यही है और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यू नो आप किसी और से रिकॉर्ड करवाना चाहें, जैसे आपका कोई परिवार में परिचित है या फिर कोई यू नो कोई भाई बहन है तो उनसे रिकॉर्ड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। साइटेड लोग तो बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं तो फिर वो मतलब अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। साइटेड लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनको टेक्स्ट टू स्पीच की आवश्यकता नहीं है, तो वो सीधा क्लिक करेंगे, फेस आईडी पे जाएंगे, रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करेंगे और वो जो भी फ्रेज लिखाएगा वो पढ़ पढ़ के बोलते रहेंगे। बस एक्सेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आप जिस तरह से एक्सक्लेनेशन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर होंगे उस तरह से बोलोगे ना तो उसी तरह की ये एक्सेंट को यूज़ करेगा बाद में, जब आप जो इसे टेक्स्ट टू स्पीच इसे कुछ लिखवाओगे इससे कुछ बुलवाओगे तो, है ना, तो ये सब जुगाड़ होता है, इस बात को पूरा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तरीकाकार आपको समझ आ गया कि किस तरह से रिकॉर्ड करना है। और हाँ, रिकॉर्ड करने के बाद आपको फ़ोन को चार्ज में लगा कर रखना है और लॉक कर देना है, उसको छेड़ना नहीं है जितनी देर वो नहीं होगा। अगर आप छेड़ोगे तो वो पॉज हो जाएगा, हालांकि फिर से शुरू हो जाएगा। आप जब भी चार्ज में लगाएंगे लॉक करके छोड़ देंगे, अपने आप वापस से प्रिपेयरिंग होने लग जाएगा, ऐसे 15-20 मिनट में प्रिपेयर हो जाता है ना। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, धन्यवाद। फेस आईडी ऑथेंटिकेटिंग अलर्ट फेस नॉट रिकॉग्नाइज्ड ट्राई फेस आईडी अगेन बटन कैंसिल बटन। तो ये हो गया, अब दीजिए मुझे इजाजत। पर्सनल वॉइस हेडिंग से बाहर आ जाते हैं अपन पर्सनल वॉइस से, एडिट मोड, अब रिकॉर्डिंग को कर देते हैं बंद। आप समझ ही गए होंगे ये तो किस तरह से करते हैं, मैंने कहा आपको बताया जाए। स्टार्टेड एडिटिंग अलर्ट एक्सेस लाइव स्पीच बटन एक्टिवेट गूगल सर्च ऐड विजेट बटन Alert. Accessibility shortcuts. Selected. Voiceover off. Okay.